हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जितने भी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम के, मोस्टली बीए प्रोग्राम पे मैसेज आ रखा है। तो बीए प्रोग्राम को एक एसएमएस आ रखा है इस टाइप का कि डियर, आपका नाम लिखा रहेगा, यू आर सोल रोल नंबर, बारकोड यानी कि बारकोड नंबर और सोल रोल नंबर के साथ एक आपको एसएमएस दिया गया है। जिनको बारकोड नंबर नहीं पता, आप बारकोड आप नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। यू कैन एक्सेस स्टूडेंट डैशबोर्ड। आप अपना जो डैशबोर्ड है बारकोड और सोल रोल नंबर से एक्सेस कर सकते हैं थ्रू सोल वेबसाइट के जरिए। एज़ पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, कोर्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन अपडेटेड, सो प्लीज चेक यूआर कोर्स एंड प्रिपेयर द अकॉर्डिंग। मतलब कि कुल मिला के बात यह है, सीधे शब्दों में, कि सोल ने आपका जो कोर्स है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया है कोर्स स्ट्रक्चर। मतलब कि जिस सब्जेक्ट को आप चेंज कराने के लिए आपने एप्लीकेशन दी थी या फॉर्म फिल किया था, वो सब्जेक्ट अब चेंज हो चुका है, या सोल ने अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक सब्जेक्ट चेंज कर दिया होगा। मतलब जो पहले सब्जेक्ट था, एक या दो सब्जेक्ट वो आपको अब चेंज मिलेंगे। अब उन्हीं चेंज सब्जेक्ट को आप अपने डैशबोर्ड पर जाके, स्टूडेंट डैशबोर्ड को लॉगिन करके उन सब्जेक्ट की डिटेल आप देख सकते हो और उन्हीं की आपको प्रिपरेशन करनी है। मतलब कि उन्हीं की आपको तैयारी करनी है एग्ज़ाम के लिए। मतलब अब चेंज नहीं होंगे, फाइनली सारे जो सब्जेक्ट जो चेंज होने थे उनका प्रोसीजर कम्प्लीटली बीए प्रोग्राम का डन कर दिया गया है। यानी कि गुड न्यूज़ ये है कि अब आपको जो स्टडी मटेरियल है वो मिलना मंडे या ट्यूसडे से शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि सोल ने बता दिया है कि जो स्ट्रक्चर, जो चेंज का जो प्रोसीजर था, वो फाइनली कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि अब आप चाहकर भी अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करा सकते। तो आप, इन्होंने ये बोला है कि आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करें और स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करके वहाँ आप अपना जो भी सब्जेक्ट जो सोल ने चेंज किए हुए, जो भी आपने चेंज कराए हुए, वो सब्जेक्ट अब आपको चेंज मिलेंगे। अब उन्हीं के साथ आपको अपनी स्टडी करनी होगी। क्या ये प्रॉब्लम है? जी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरीके का उन्होंने बता दिया है कि स्टूडेंट डैशबोर्ड को देखकर ही आप अपनी स्टडी करें, उन्हीं सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम होंगे। पुरानी फी रिसिप्ट को फॉलो ना करें, न्यू सब्जेक्ट जो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर होंगे उन्हीं को फॉलो करें। जैसे एक सब्जेक्ट आपका चेंज कर रखा होगा 100%, बेशक आपने चेंज नहीं करवाया होगा, तो भी अगर आपने चेंज के लिए एप्लीकेशन दे रखी होगी वो भी चेंज हो गया होगा। ठीक है, चेक कर लेना, डरने वाली बात नहीं है। वैसे तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।